यामिनी, जरा संभल के, ये खतरनाक भी हो सकता है। मालूम है, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। आए तो सही, वो आएगा, जरूर आएगा। सारे हादसे इसी इलाके में हुए हैं रात के वक्त। वो यही ढूंढ रहा है उस लड़की को। यामिनी, संभल के चलो। सर वाला आदमी, वो भी चल रहा है, हर्ष चल रहा है। यामिनी भाग भाग यामिनी, तू ही थी वो, क्यों किया तूने ऐसा? यप, क्योंकि मेरी यह हालत अब तो नहीं बचेगी, नहीं बचेगी तो। यामिनी, चल। रिक्शा के पीछे निशान देखा तुमने? निकल गया हाथ से। ऐसे कैसे जाने देंगे? चलो। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कहीं यामिनी को कुछ हो ना गया। चिंता करने से कुछ नहीं होगा राधा। अगर हमें वो लाल कपड़े वाली लड़की मिल गई जिसे वो बिना सिर वाला आदमी ढूंढ रहा, तो शायद उसके जरिए हम यामिनी तक पहुंच सकते हैं। अपना कैमरा ऑन करो, लगता है वो आत्मा यहीं गई है। हर्ष, ये धूल। ऐसा लग रहा है कि ये रिक्शा यहां पर कई दिनों से पड़ी हुई है। हर्ष, टायर पंक्चर है। चल अंदर चलकर देखते हैं, शायद यामिनी अंदर हो। उससे मैं नहीं छोड़ूंगा, ये आत्मा वात्मा से डरता नहीं हूं। चलो। कोई है?
लोग? क्या चाहिए? कौन हो तुम और मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? ये क्या चाहिए मतलब क्या? ये ऑटो अभी अभी कोई चला के लेके आया। ये यहाँ क्या कर रही है? ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं पर है। कुछ दिनों से? हम अभी अभी इस ऑटो का पीछा कर रहे थे, इसमें एक बिना सिर वाला आदमी बैठा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे चलाने वाला तो मर चुका है। कुछ लुटेरों ने कुछ दिन पहले मेरे पति और उनके साथ ऑटो में बैठे हुए एक आदमी को मार डाला। फिर? जब मैं हॉस्पिटल गई थी उनकी लाश लेने, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि सिर्फ मेरे पति ही मरे हैं, उनके साथ और कोई नहीं था। भला लुटेरे गरीब ऑटो वाले को क्यों मारेंगे? कहीं ये वही लाश तो नहीं जो ऑटो में घूम रही है? क्या, ऑटो में लाश घूम रही है? ये कैसे हो सकता है? ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं खड़ा है। ये हर्ष, ये ऑटो घूम रहा है यार। अभी अभी तो इसका पीछा करते हम आए। ये ऑटो घूम रहा है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं खड़ा है, मैं कह रही हूँ ना। मतलब ये ऑटो भी एक आत्मा है? ये हादसा कहाँ पे हुआ था? बादली इलाके में। एक लड़की और उसका गैंग है जो रात को लोगों को लूटते हैं, और शायद मेरे पति भी उन्हीं का शिकार हुए हों। बादली तो वही जगह है जहाँ पर उसने रिया और पाव भाजी वाले को मारा था। काश वही है। Excuse me, please रुकिए। वो मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और मेरी कार की डिक्की में जैक भी नहीं है। आप लोग प्लीज मेरी मदद करेंगे? I'm sorry, हमारे पास भी जैक नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो और जैक भी नहीं रखते? हाँ, चलो उतर, हिंदी में समझाऊं क्या? उतर नीचे। जैक नहीं है इसके पास, है? चल। ये तो वही रिक्शे वाला है। आ, 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 आ,
ये तो जा रहे हैं, चल पीछा करते। ये देखो खून भरे कदमों के निशान, लगता है वो यही है, बिना सिर वाला आदमी। हर्ष ये देखो घसीटने के निशान भी है, शायद उसे वो लाल कपड़े वाली लड़की मिल गई है। हर्ष हमें उस लड़की को बचाना होगा। राघव इस तरफ। हर्ष जिंदा है, चलो। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, नहीं। वो उस लड़की को मार के छोड़ेगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लाल कपड़े वाली लड़की यही रहती है। Oh!
बच जाएगी। गर्दन काट डालूंगा तेरी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद किसी को नहीं लूटूंगी, किसी को नहीं लूटूंगी। लूटने के लिए तू जिंदा बचेगी तब लूटेगी ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। तो बिना सिर वाला आदमी दिख रहा है, नहीं वो लड़की। हर्ष, ये पैरों के निशान उस तरफ जा रहे हैं। चलो। हर्ष, ये निशान तो यहां पर आके खत्म हो गए, पर वो लड़की और बिना सिर वाला आदमी आखिर गायब कहां हो गए? ऑटो में ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का ऑटो चल रहा था। वो आदमी बिना सिर वाला था। हमारा जीना हराम कर दिया है इस हरकते आदमी। अब तो हमें घर से निकलने में भी डर लगता है। विनी वो लड़की थी जिसने उन लुटेरों के साथ मिलकर उस आदमी को मारा था। हाँ, और जब उन लुटेरों को पता चला कि विनी पागल हो गई, उन्होंने एक नई लड़की को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। उस आत्मा ने विनी से बदला लिया, ये बात समझ सकता हूं। पर अपने बदले की आग में हर्ष, वो यामिनी को क्यों निकल गई? क्या जवाब देंगे उसके मॉम डैड को? वो तो सब जगह ढूंढ रहे होंगे उसे। तुम्हारे पास भी फोन आने वाला है उनका। यामिनी, तुम ठीक हो? जिंदा हो? मैं आत्मा बन गई हूं। तुम चाहो तो मेरा शॉट ले सकते हो। नहीं यामिनी, प्लीज ऐसा मत कहो। यामिनी, तुम जिंदा हो? लेकिन वो आदमी तुम्हें कहाँ ले गया था और तुम वापस कैसे आए? मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ ऑटो में जाने के बाद। बस आज सुबह जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में थी। बड़ी अजीब बात है, उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो उन्हीं को मार रहा था जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। सिर्फ उन्हीं से बदला ले रहा था वो टेप। इस बार रिकॉर्ड हुआ। हुआ। मैं दे दूं उसे? नहीं,
बहुत ही खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक है। तुम यहां से जाना नहीं, और भी बहुत सारी आत्माएं बाकी हैं जिनका शॉट लेना है।